ओ भाई साहब, अपने गेम में आ चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, इनकी गाड़ी को हम चुराएंगे, लेकिन कैसे? क्या आपको पता है कि मैंने आज मास्क क्यों पहना हुआ है? क्योंकि आज हम चोरी करने वाले हैं, एंड जो चीज हम चुराने वाले हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर की एक स्पोर्ट्स कार है, और हम इसे इसलिए चुराने वाले हैं क्योंकि वैसी कार पूरी सिटी में नहीं है, वन पीस ओनली। एंड भाई क्या गाड़ी है, आप देखोगे तो पागल हो जाओगे। एंड एक ही कार है जो कि बुलेट प्रूफ है, लेकिन वो अभी पीएम के पास है, लेकिन अब वो कार इस साइकिल की जगह आने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि वो गाड़ी पीएम के पास है तो सिक्योरिटी कितनी तंगड़ी होगी। मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन यार चाचा के पास भी दिमाग है यार, थोड़ा समझा करो। उस गाड़ी को कैसे चुराऊंगा उसे बताने पहले मैं आपको बता दूं कि हमें आज ही गाड़ी चुरानी होगी, क्योंकि हमारी सिटी में अपने पीएम आए हुए हैं जो कि पब्लिक स्पीच दे रहे हैं। एंड मजे की बात यह है कि वो अपने पीएम उसी गाड़ी से आए हैं, तो अभी हमारे पास मौका है, या तो हम आज उस गाड़ी के मालिक बन जाएंगे या फिर मारे जाएंगे। वैसे यार हम साइकिल से जाने वाले हैं उस गाड़ी को चुराने, क्योंकि यार साइकिल से हम जाएंगे तो चुपचाप से जाएंगे, आवाज भी नहीं होगी, एंड उधर से तो हम गाड़ी लाने वाले ना, तो साइकिल तो हमें वहां छोड़नी पड़ेगी, एंड उसकी जगह अगर हम कोई कार या बाइक ले तो हमें वो छोड़नी पड़ सकती है। एंड साइकिल का क्या यार, उसे तो हम आसानी से छोड़ भी सकते हैं। यार कोई नॉर्मल बंदा होता ना तो इतना डर नहीं लगता, लेकिन एक बेनिफिट है उस कार का, अगर हम एक बार उस कार में बैठ गए तो फिर चाहे कितना भी कोई गोली बारूद चलाए हम मरने नहीं वाले। वो गाड़ी फुल ही सॉलिड गाड़ी है यार, फुल बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ, सारे प्रूफ है उसके अंदर, इनफैक्ट वाटर प्रूफ भी है वो। हम जा रहे हैं जहाँ पीएम की पब्लिक स्पीच चल रही है, एंड मजे की बात ये है कि उस स्पीच में पब्लिक ज्यादा है, तो सारी सिक्योरिटी का ध्यान पीएम की सिक्योरिटी की तरफ रहेगा, मतलब कि पीएम की तरफ रहेगा और उस जनता की तरफ रहेगा। एंड हमारे लिए बेनिफिट की बात यह है कि कोई ये नहीं सोच रहा कि वो गाड़ी भी चुराई जा सकती है, क्योंकि किसी को लग ही नहीं रहा कि पीएम की भी गाड़ी कोई चुरा सकता है, एंड इसी का हम फायदा उठाने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं जहां पर पीएम की स्पीच चल रही है। मैंने गन वन सब ले ली है, सबसे पहले तो मैंने स्नाइपर लिया है कि मैं दूर से देख सकूं कि कितनी क्या सिक्योरिटी है, एंड उसके बाद मैंने बॉम्ब वॉम स्टिकी बॉम्ब सब कुछ रख लिया है, जिसकी जैसी जरूरत पड़ेगी हम चला देंगे, देखते हैं क्या होता है। यार सिक्योरिटी तो एकदम तंगड़ी लगी है, हेलीकॉप्टर, 100 नंबर वाली गाड़ियां और कितनी सारी पुलिस की गाड़ियां लगी हैं। मुझे लग रहा है यार आज बहुत ज्यादा कठिन है गाड़ी चुराना, लेकिन एक मिनट, वो गाड़ी किधर है? यार गाड़ी तो यार पीछे खड़ी है, इसका मतलब ये है कि यार हमारे पास अभी भी मौका हो सकता है। ओके, तो मैं समझ गया, सारी पुलिस का ध्यान अभी पीएम की तरफ है, एंड गाड़ी बेचारी अकेली खड़ी है, तो हम फटाक से गाड़ी में बैठ के फटाक से निकल सकते हैं, पर उसके लिए मैं थोड़ा सा चेक करूं कि गाड़ी के पास एक भी पुलिस वाला नहीं होना चाहिए। यार मैंने देख लिया है पीछे की तरफ कोई भी पुलिस वाला नहीं है, बस हम गाड़ी के पास जाएंगे और एकदम से बैठ कर निकल लेंगे। उसके बाद सिर्फ हमें आंखें खोल के गाड़ी को भगाना है, क्योंकि गाड़ी बुलेट प्रूफ है, बस हमें भगाने पे ध्यान देना होगा। एक बार हम निकल गए तो वो गाड़ी हमारी हो जाएगी। ये बैठ गए गाड़ी में, एंड नाउ तो फाइनली हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और बस पुलिस से छुटकारा करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या, अबे यार 4 स्टार की पुलिस लगा दी। यार एक गाड़ी चुराने के लिए 4 स्टार की पुलिस कौन लगाता है भाई? अबे यार हमें भागना होगा, लेकिन हम अभी अपने घर पे नहीं जा सकते, वरना ये लोग जान जाएंगे कि हम कौन है, इसलिए हमें और कहीं भगानी होगी और हमें कैसे भी करके एस्केप करना होगा। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपने अंडरग्राउंड वाले घर में चलें, वहां पर ये पुलिस हमें नहीं पकड़ पाएगी। चलिए जल्दी से चलते हैं। अबे यार कितनी पुलिस, कितनी सिक्योरिटी लगी है, पुलिस तो इतनी लगी है जितने पूरी सिटी में एनपीसीज नहीं है यार। भाई साहब, भाई अभी हमारा जिधर अंडरग्राउंड का रास्ता था उधर काफी ज्यादा पुलिस लगी हुई है, तो अभी मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ। तो फाइनली पुलिस से छुटकारा पाकर हम जंगल में तो आ चुके हैं, लेकिन जंगल में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, तो हम आज रात को ही अपने घर की तरफ निकलने वाले हैं, बस रास्ते में कोई पुलिस नहीं मिलनी चाहिए। यो, तो क्या हम अपने घर पहुंच पाएंगे या फिर बीच में ही प्राइम मिनिस्टर हमको मुर्गा बनाएंगे? सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लग जाएगा। बाय बाय।